आज हम बनाएंगे गर्मियों की स्पेशल ड्रिंक ठंडाई, या जिसे हम शरदाई भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और ऊर्जा देने वाली रेसिपी है। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ इसके बनाने की और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को बनाना। 4 ग्लास ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए खरबूजे के बीज। मैंने यहाँ घर में सुखाए हुए बीज लिए हैं। आप चाहें तो बाजार में मिलने वाले छिलका उतरे भी बीज ले सकते हैं। बीज अगर सूखे हैं तो भिगो लें कम से कम 10 मिनट। ये हमने लगभग 2 बड़े चम्मच लिए हैं। खसखस 1 टेबलस्पून, बादाम 30 से 40, काली मिर्च साबुत 10 से 20 या स्वाद अनुसार, दूध 250 ग्राम, चीनी 2 टेबलस्पून या स्वाद अनुसार। अब मिक्सर का छोटा जार लें, चटनी वाला जार लें और उसमें बीज डालकर 1 टेबलस्पून पानी डालिए और फिर 15 सेकंड के लिए चलाएं। फिर जार खोलिए, 1 टेबलस्पून पानी और डालिए और फिर चलाएं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक इस टाइप की पेस्ट ना बन जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि जो बीजों का दूध बन रहा है वह कम समय में ही बीजों के छिलकों से अलग हो जाए। अब एक बड़ी छलनी लें और उसे अच्छे से साफ कर लें। उसमें इस मटेरियल को डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छन लें। छिलके फेंक दें और इन टोटल लगभग 250 मिलीलीटर पानी यूज करें। नेक्स्ट, अब भीगे बादाम, काली मिर्च, खसखस जिसे मैंने धो लिया है पीसने के लिए जार में डालें। मैं एक आइडिया दूं, मैंने लगभग 100 से 125 गिरी फ्रिज में ढक कर रख लेती हूं ताकि जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करें। हाँ, पीसने से 10 मिनट पहले जरूरत के हिसाब से गिरियां भिगो लेती हूं ताकि छिलके नरम हो जाएं। हम तो छिलके सहित ही पीसते हैं क्योंकि छिलका सेहतमंद होता है। आप चाहें तो छिलके उतार कर भी पीस सकते हैं। अब इसी तरह जार रोक रोक कर 1-1 टेबलस्पून पानी मिलाकर 30-30 सेकंड तक चलाएं। फिर बीजों का जो हमने दूध निकाला है उसमें चीनी, बादाम, खसखस, काली मिर्च का मिक्सचर और नॉर्मल डेयरी वाला दूध सब मिलाएं और आइस क्यूब के साथ या उसके बिना सर्व करें। मजा ही आ जाएगा घर पर बनी ठंडाई या शरदाई पीकर। रोज सुबह गर्मियों के महीनों में इसका प्रयोग पेट को ठंडक देता है, एसिडिटी भगाने में मदद करता है, मस्तिष्क की याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है और आँखों को पोषण भी देता है। एक प्रिकॉशन जो मेरी नानी कहती हैं कि ठंडाई मई जून के महीनों में ही पीनी चाहिए, बरसात के मौसम या ठंडे मौसम में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही शीतलता देने वाली है। और हाँ, अगर आप बाजार में मिलने वाले बीजों का यूज कर रही हैं तो बीज, बादाम, काली मिर्च, खसखस सब इकट्ठे ही पीस लें और दूध में मिलाकर सर्व करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक और शेयर भी करें और कमेंट कर हमें फीडबैक दें। थैंक यू।